गलत हो रहा है। उस वक्त भी बेगुनाहों को मारा गया था और आज भी तो, है ना। अब वो कह रहे हैं कि फौज का एक साहब ने आके कहा फौज का मैंडेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है फौज का मैंडेट, मगर क्या फौज ने अपने मैंडेट से तजावज नहीं करा? मारगरा की पहाड़ी पे जब आप 250 कराची के लड़के को लाके गोली मार के फेंक दिया आपने, तो स्टेटमेंट है हमारे चौधरी शुजात वजीर दाखला का, उन्होंने एडमिट करा कि वो जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनके कहने पे करा। तो मेरा मतलब कहने का कि पाकिस्तान में, अच्छा आपको क्या लगता है कि आरिफ अलवी जो है वो देंगे धोखा इमरान खान को, इमरान खान की पार्टी को? आरिफ अलवी अपना टाइम पूरा करके चले जाएंगे। मैं एक और, अच्छा यानी कि आप कह रहे हैं कि वो उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेवफाई नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो खामोशी से चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में, मैं लिख रही हूँ आपकी बात, वो खामोशी से चले जाएंगे जी। खामोशी देखिए पाकिस्तान में हुए वाकयात हुए, क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था जी। वो अगर जो लोग उस वक्त सियासत में दिलचस्पी रखते थे या ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखते थे, वो चीजें देखिए ठंडो भावल का वाकया हुआ था जी। आपको पता है अगर आपके कॉलर्स को याद हो तो वो क्या वाकया था, उसमें 17-18 बेचारे माहिगीर थे। अच्छा मेरे साथ यूके के कॉलर भी है, इनका भी लेने जरा मैसेज जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अभी ज्वाइन किया उन्होंने, आप भी दें अपना साथ रहे मेरे जी। हेलो जी, हां जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, इसलिए कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं बेचारे जी। हां जी, बस मैं उठा बंद कर टाइम में बात करूं। अच्छा जी, जो अभी ये भाई साहब जो, जरा जोर से बोल लें प्लीज जी। असल में इसको समझने की जरूरत है, बाकी जो अपने आर्मी सबक है वो वाकई इनकी ये भी बात दुरुस्त है, वो खामोशी से चले जाएंगे फिलहाल। अच्छा आरिफ अलवी की बात उन्होंने सही कही कि वो खामोशी से चले जाएंगे, यानी कि कुछ पार्टी को नहीं छोड़ेंगे जी। नहीं पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक देखें फिर बस कुछ महीने बाकी है, चीज देखें कि अभी जो हालात है, अभी पाकिस्तान को IMF पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, अपनी सुपरिटी एक वो शो करने की कोशिश करे, तो देखे उसमें जब कंट्री में यह हालात हो जाएंगे तो उनका क्या फायदा होगा, उसका किसी को फायदा नहीं होगा। इस वक्त जो इंटरनेशनल एनालिसिस है, पाकिस्तान चौथा मेन कंट्री है जो कि डिफॉल्ट हो सकता है और बिल्कुल उसके दहाने भी बैठा हुआ है, जो बजट उसमें आखिरी की होगा उसको डिफॉल्ट करने के लिए। इंटरनेशनल सर्वे कह रही है, ये वो अदारे हैं जो सारा लेन देन को मद्देनजर रखते हैं। अब इसके बाद आप बताएं सियासी जमातें ले